Fine. So we are basically discussing the prehistoric atmosphere, and we found that jo early everything was molten actually. The temperature was so hot that jo bhi kuch milta tha sab molten conditions mein tha. Okay? But jaise ice ages hua, okay, cooling for thousands of years, to ice ages mein kya mila ki द क्रस्टिंग हो गया. तो क्रस्टिंग अगर आप देखोगे, व्हाट इज क्रस्टिंग, हैव यू ईटन दिस डेरी मिल्क, क्या जो चॉकलेट बार 10 रुपए का चोको बार खाए हो? यस सर. आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो उसमें yes, क्या yes, होता yes, है? यस सर, यस सर, चॉकलेट क्रस्ट होता है और अंदर बस, तो वैनिला का कोर होता है एंड चॉकलेट क्रस्ट होता है. तो हाउ इट इज मेड एक्चुअली, उसमें क्या करते हैं, जो चिल्ड आइसक्रीम को क्या करते हैं, वो इसमें डिप कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉट चॉकलेट. तो वो एक सॉलिड सा क्रस्ट बन जाता है. उसी तरह से एक फेवरेट डेजर्ट है मेरा, दैट इज कॉल्ड फ्राइड चॉकलेट, फ्राइड आइसक्रीम. तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट डेजर्ट है. तो आइसक्रीम को फ्राई, डीप फ्राई करके देते हैं, समझ रहे हो? जी सर, जी सर. हाँ, तो क्या करते हैं, दे विल टेक ए फ्रोजन स्कूप ऑफ आइसक्रीम. अब उसको ये लोग रोल कर देंगे जो कॉर्नफ्लेक्स में. ओके, अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स में रोल करेंगे एंड हॉट ऑयल में उसको डाल के 1-2-3 सेकेंड में उसको निकाल देंगे ताकि वो क्रस्ट फ्राई हो जाए, और उसके ऊपर हनी वनी या कुछ डाल के वो देंगे. Understood. So that is called frozen ice cream. A kya kya usko bolte hain, fried ice cream. So that is called crusting. To isliye jab earth mein crusting hua to kya hua, to earth crust, jo upar wala crust ban gaya, and niche abhi bhi hamara core molten hai. Now these crust, to agar aap dekhoge dairy milk, jab bhi wo aap ice cream khaoge तो क्या होगा, आप देखोगे उसमें क्रैक्स होंगे, है कि नहीं? तो अगर आप आइसक्रीम खरीद के खाओगे तो मैं देखी तो जो क्रस्ट टिकट के क्रैक्स थी वो, एंड सो दैट इज कॉल्ड योर टेक्टोनिक प्लेट्स. अगर हम उसको एनालोजाइज करें तो इट इज सिमिलर टू टेक्टोनिक प्लेट्स. तो इसलिए जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो भी ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स से बना हुआ है, एंड दीज प्लेट्स are literally moving. Okay, ye chal bhul rahe hain. So that is the concept. Okay, so chal bhul rahe hain, and ultimately they formed our landmass. Theek hai, to ye hai aapka Pangea. Okay, do Pangea, ya isko aap is spelling se bhi jaan sakte ho, was a supercontinent that existed during the late Paleozoic era. तो पैलियोज़ोइक एरा में पहले क्या हुआ, लैंड हर जगह था, पैचेस में था, है कि नहीं? फिर ये लोग मूव कर करके इकट्ठा हुए एंड फिर मूव कर करके अभी अलग हो रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक्स बोलते हैं. सो द एंटायर प्लेट इज मूविंग. इमेजिन ए राफ्ट, आइस राफ्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, है कि नहीं? तो लाइक दैट. तो ये जो पैंजिया है, सो ये आपका लेट पैलियोजोइक एरा. पैलियोजोइक का लेट मतलब क्या है? ओके, सो दिस इज अराउंड द डायनासोर टाइम. ओके, एंड अर्ली मेसोजोइक एरा, इसमें ये मिल रहा था. नाउ इट रिजेंबल्ड फ्रॉम अर्लियर कॉन्टिनेंटल यूनिट्स, इट असेंबल्ड, सारे जुड़ गए अप्रोक्सीमेटली 335 मिलियन ईयर्स अगो. तो एक लैंडमास था, and it again and it began to break apart about 175 million years ago. To samajh mein aaya, pehle alag alag the, fir judh ke ikattha hue, ab fir ye alag alag ho gaye. Understand? So this is the concept of plate tectonics. Now to ab suppose kahin kahin kya kya land mass hua, koi koi organisms develop kiye, fir jab land juda wo kya hue, वो मिक्सअप हो गए, एंड फिर जब अलग हुआ फिर वो सेग्रीगेट हो गए. ओके, सो नाउ यू नो एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, समझ रहे हो कि नहीं?
जब प्लेट अलग अलग हुआ तो वो एक बहुत बड़ा कारण था एलोपेट्रिक स्पेशिएशन का, कि जो लोग इकट्ठा आए थे वो फिर इतने दूर तक अलग हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। हेलो तुम्हारा स्टूल डाल दो, फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट अर्थ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, पांजिया वाज सेंटर्ड ऑन द इक्वेटर and surrounded by the super ocean, उसका नाम था पांथालासा। तो super ocean का नाम क्या था? पांथालासा। and super continent का नाम क्या था? Pangaea। Fine? Now, yes, Pangaea is the most recent super continent to have existed and the first to be reconstituted by geologists। नाम कैसे पढ़ा? Pan मतलब entire, एंड गाया या जिया रेफर्स टू बेसिकली अर्थ। ओके, तो इसीलिए पांजिया का नाम आपका मदर अर्थ के नाम से पड़ा। द कंसेप्ट दैट कॉन्टिनेंट्स वंस फॉर्म्ड ए कंटिगुअस लैंड मास वाज प्रपोज्ड बाय वेगनर। ओके, कि सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठा हुए थे, ये कंसेप्ट किसने दिया? वेगनर। बिकॉज अगर आपको ध्यान होगा, हम लोग जब डिस्कशन, एक्चुअली बच्चे समझते नहीं है कि अलगा थिला सांगरे हेला अलगा हेला, क्योंकि देखो नॉन जेजेएस क्लास में क्या होता है, इतना डिस्कशन ही नहीं होता है ना, तो इसीलिए अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर नॉट नोइंग। बट यहाँ क्या है आपका जो पांजिया में, तो इधर क्या हुआ, तो अगर आप देखोगे ह्यूमन इवोल्यूशन का, हम अफ्रीका फर्स्ट थ्योरी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अफ्रीका फर्स्ट थ्योरी? कि ह्यूमन सबसे पहले अफ्रीका में आए एंड अफ्रीका से वो डाइवर्सिफाई किए, तो समझ रहे हो। तो अगर कोई कनेक्शन नहीं था, हाउ दे वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, समझे कि नहीं? तो इसीलिए पहले लैंड अलग अलग था पैचेस में, फिर जुड़ के इकट्ठा हुआ एंड अभी फिर अलग अलग हो रहे हैं। ओके, तो लाइक दैट। तो इसलिए दिस प्रोसेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं, जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था। ओके, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओके, नाउ ही एक्सपेंडेड अपॉन हिज हाइपोथेसिस एंड उसमें ओशन टर्म भी याद ऐड कर लिया था। क्लियर? सो लाइक दैट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर अर्लियर कंडीशंस। तो जो हमारा प्रिवेलेंट कंडीशंस था उसका हम लोग जिक्र कर रहे थे। अंडरस्टूड? सो एक एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, है कि नहीं? दूसरा टेम्परेचर वाज वेरी हाई, फाइन। तो ये सब पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। हम लोग क्या क्या डिस्कस किए देख लेते हैं। ओके, मॉडर्न थ्योरी, तो इसमें हम लोग क्या क्या लिख लिया, कोर के बारे में डिस्कशन हो गया है। ओके, एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग के बारे में डिस्कस हो गया, सुपर हीटेड स्टीम के बारे में डिस्कशन हो गया। चलिए ठीक है, तो इसीलिए एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, तो वी हम लोग एक उसको एक चेकलिस्ट बनाएंगे इन द जूम बोर्ड, दैट एक्चुअली फॉर इवोल्यूशन, माने ये जो बायोकेमिकल थ्योरी का जो हमारा प्रिकर्सर्स क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए, दैट रिड्यूसिंग एट, ये भी बाद में लिखेंगे, सबसे पहले वेरी हाई क्या टेम्परेचर, ये पहला रिक्वायरमेंट है, वेरी हाई टेम्परेचर। अंडरस्टूड? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है बोलो? वेरी हाई टेम्परेचर, उसके बाद नो ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर नहीं है, सो लो वेवलेंथ। ओके, हाई एनर्जी रेडिएशंस रीचिंग अर्थ। ओके, तो ये अर्थ को रीच कर रहा है। Lightnings striking earth surface
एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या है, यह है एनर्जी सोर्स। व्हाई योर अर्थ इज सो हॉट, तो इसका कारण है ये, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी रीच कर रहा है अर्थ को। ओके, एंड उसका मेन कारण क्या है, ओजोन लेयर नहीं। ठीक है जी, तो ये टेम्परेचर के बारे में हो गया। नो फ्री ऑक्सीजन, सो एटमॉस्फियर वाज रिड्यूसिंग टाइम। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट वाज मेड स्टेड, समझ रहे हो। तो एक्चुअली रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर का मतलब क्या है, कोई भी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा, समझ रहे हो। अभी जैसे आपका कोई कंपाउंड है, उसको ऑक्सीडाइज करके तोड़ दो, बट सिंस द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप, सिंस देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, क्या हुआ, आपका जो भी कुछ बना वो रह गया, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बूंद बूंद से सागर का बनना। ओके, अगर बूंद ही नहीं बचता तो सागर बनता कैसे। सो ये उसका ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बूंद बूंद जोड़कर हमने क्या बना दिया, हमने सागर बना दिया। ठीक है, सो इसीलिए टेम्परेचर वाज हॉट। ओके, एनर्जी सोर्सेस है आपका, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर है। नाउ वाटर एग्जिस्टेड, पहले तो ड्राई था, लेटर ऑन वाटर एग्जिस्टेड एज सुपर हीटेड स्टीम। ओके, तो पहले पानी नहीं था, फिर वो आया, तो जैसे हमारा आइस एज आया, तो आफ्टर आइस एजेस। ओके, तो आफ्टर आइस एजेस क्या था, जो आपका वेपर वाटर है, तो वो क्या हुआ, वो कूल डाउन होना शुरू हुआ, एंड जैसे ही वो कूल डाउन होना शुरू हुआ, इट वेंट एंड फेल ऑन द हॉट बॉइलिंग कोर। तो दिस वाज द रीजन ऑफ क्रस्टिंग, एज वेल एज जैसे ही वो गर्म कोर पे गिरा, वो फिर इवेपोरेट हो गया, फिर ऊपर गया, कंडेंस हुआ, फिर बारिश होकर नीचे गिरा, तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चल रहा था। सो दिस साइकिल वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वाज रिड्यूस्ड। समझ रहे हो, जो डोसा तवा, इसको मैं डोसा तवा इफेक्ट बोलता हूं। आप देखोगे जब डोसा बनाते हैं, वो बार बार उस तवे में पानी मार के झाड़ू मारता है। व्हाई, टू क्रिएट अ नॉइज टू अट्रैक्ट यू ना, वो कर क्या रहा है एक्चुअली, बताइए, क्रस्ट को है? बोलो सर, वो डोसा के नीचे वो वाला पूरा मतलब एक हार्ट जैसा प्लेटिंग बन जाता है ना सर, अभी डोसा डला नहीं है, अभी जो तवा के ऊपर वो पानी मार के ऐसे आवाज करता है, फिर झाड़ू मारता रहता है, तो ऐसा क्यों कर रहा है सर, ऊपर हीट हो गया तो उसको टेंपरेचर रेगुलेट करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए, बिकॉज जब तवा, जब इसके पहले हमने डोसा बनाया था, क्रिस्पी बनाने के लिए हमने क्या किया था, सुपर हीट किया था, तो वी सुपर हीटेड इट टू मेक इट क्रिस्पी, बट जब ये ठंडा हो, जब डोसा निकल गया, अब आप नया डोसा डालोगे, है कि नहीं, तो जब आप नया डोसा डालोगे उसमें क्या होगा, तो आप नया डोसा डालोगे तो चिपक जाएगा, वो आराम से डोसा डलेगा ही नहीं, इसलिए हमें उसको कूल करना होता है, तो इसलिए लोकल कूलिंग करने के लिए क्या किया गया, उसको वो पानी मारता है। ठीक है, तो सही पे ही अर्थ का ठंडा होने का एक कारण क्या था क्रस्ट का, कि द वाटर फेल and it decreased the localized temperature of the surface. ठीक है, तो एक तो क्रस्टिंग में मदद किया,
दूसरा लोकलाइज सरफेस को कूलिंग किया। अगर लोकलाइज सरफेस को कूलिंग नहीं करता तो लाइफ पॉसिबल नहीं था, इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज वेरी वेरी हॉट। ओके, तो वाटर एग्जिस्टेड एज सुपरहीट, सुपरहीटेड स्टीम इन द आइस एजेस, इट कंडेंस्ड एंड रेन। ओके, कंडेंसेशन रेन, दिस रेनिंग एंड इवापोरेटिंग कंटिन्यूड फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। तो ये हजारों साल के लिए चला, सो दिस कूल्ड द क्या सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यार सरफेस को कूल कर दिया। ओके, मैंने उतना भी कूल नहीं, मैंने बट कूल कर दिया, और क्या, दे कूल्ड द अर्थ सरफेस। तो उससे क्या हुआ, देन अल्टीमेटली व्हेन टेम्परेचर वाज नॉट वेरी हाई to promote evaporation, क्या हुआ, water started to accumulate in the क्या troughs present on the surface। तो समझ रहे हो, तो जब ये ऐसे ठंडा हो के, जब अर्थ इतना ठंडा हो गया कि अब और नहीं बनेगा वेपर, तो नाउ व्हाट हैपेंड, ये पानी बनकर गड्ढों में भर गया, है ना, तो ये पानी भर के गड्ढों में भर गया, अंडरस्टूड। सो इससे आपका क्या बन गया, द ओशंस, ठीक है। सो दिस कूलिंग रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओशंस। नाउ अब so the primitive oceans were क्या made, so the primitive oceans were made, understood। तो ये आपका primitive oceans बन गया। now during this process gases like CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स एटसेट्रा कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म व्हाट, बोलिए बोलिए, H2CO3। ये पानी से मिलने से क्या बनेंगे, टू फॉर्म एसिड्स, एसिड्स टू फॉर्म वेरियस एसिड्स, तो ये अलग अलग तरह का एसिड्स बनाएंगे, हो गया। नाउ दीज एसिड्स व्हेन फेल ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, सरफेस reacted with the क्या, okay, these acids when fell on the earth surface reacted with the metals and formed क्या salts in the primitive ocean, देख रहे हो, तो ये फिर reaction को promote किया in the primitive oceans। So, yes. So, in the words of J.J.S. Haldane, okay, तो Haldane ने उनको क्या कहा? So, in words of J.B.S. Haldane, what happened? Okay, the oceans resembled hot
dilute soup. Okay, the ocean resembled hard dilute soup. Again, so this is the concept. So in the yes. words of J.B.S. Haldane, the ocean resembled soup. Soup का मतलब क्या है? हर कुछ है, but कुछ दिख नहीं रहा. समझ में आया? So that is why these are the things which were present in that situation. ठीक है? तो अब हम तो आप समझ रहे हो? How chemogeny started? Okay? ये सब क्या हो रहा है? Chemical evolution हो रहा है कि नहीं? So these are all chemical evolution. पहले elements थे, वो oxygen के साथ react करके oxides बने. फिर वो पानी के साथ react करके acids बने. Metal के साथ react करके salts बने. तो इस तरह ये सब आपका chemical evolution हो रहा है. ठीक है? So this is all what? This is all about chemical evolution. Now, सब कुछ उस oceans में है. तो इसलिए अब एग्रीगेशन हो सकता है कि नहीं? सपोज संदीप जो है वो एक अच्छा फ्लूट बाजक है एंड अभी से एक अच्छा तबला बजा लेता है. तो संदीप फ्लूट बजाता था पोखरी पुट में, अभी से एक तबला बजाता था स्पेशल सेक्शन सीएसपुर में, आशुतोष हारमोनियम बजाता था नॉर्मल सेक्शन में. ओके, जो हमारा सुमन है वो गिटार बजाती थी. ऐसे होके सब अलग अलग स्कूलों में थे एंड यू लैंडेड इन ए पर्टिकुलर कॉलेज. तो अब सारे इकट्ठा हो, पहले संदीप अकेला बजाता था, अब आशुतोष अपना अकेला बजाता था, अभिषेक अपना अकेला बजाता था, बट अब हम क्या कर सकते हैं? तीनों साथ मिलकर बजा सकते हैं. सो नाउ वी कैन मेक अ बैंड ऑफ आवर ओन बैंड. तो अब हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे. तो क्लासिकल में जो इंडियन क्लासिकल में उसको ट्रूप बोलते हैं, बट इन वेस्टर्न लैंग्वेज या वेस्टर्न म्यूजिक में उसको बैंड बोलते हैं. अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट. तो यू कैन मेक ए ट्रूप और बैंड ऑफ योर ओन. समझे? तो वही चीज है, जब सब चीज नीचे था तो जोड़ के हमें क्या बनाना था? बोलिए. So, जुड़ के हमें बनाना है व्हाट? हाँ, एक बैंड. तो इसी तरह यस एग्रीगेशन. अब हम लोग अलग अलग तरीके से एग्रीगेशन करेंगे. ओके, चलिए. तो ये अब हम लोग शुरू कर देंगे कीमोजेनी. ठीक है जी. तो अब हम लोग चलते हैं अपना इधर. तो पैंजिया का जिक्र हो गया, इसमें हम लोगों ने एनर्जी सोर्सेज के. चलिए, चलिए. सो ये हमने डिस्कस किया. तो अब हम लोग यहां डिस्कस करेंगे आगे. यस, तो इधर अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा, हमने अपना कॉन्टिनेंट के बारे में जिक्र कर लिया. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अनदर कंसेप्ट. ओके, दैट कंडीशंस. सो कंडीशंस प्रीवेलेंट इन द प्री हिस्टोरी एटमॉस. तो इसको हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे. कंडीशंस प्रेजेंट प्रीवेलेंट इन प्रीहिस्टोरिक एटमॉस्फेयर. ठीक है? चलिए. सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वहां मौसम कैसा था. ओके, तो एज वी नो दैट थ्री बेसिक चीजें हैं. ओके, तो सबसे पहला क्या था? व्हाट आर द कंडीशंस? तो अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं. सेकंड है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. थर्ड
थर्ड है एब्सेंस ऑफ ओजोन। तो ये तीन हमारा मेन कंडीशंस था। फाइन सर, स्क्रीन हाँ बोलो। नहीं हुआ स्क्रीन शेयर। चलिए तो ये आ गया हमारा। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फाइन, द फर्स्ट पॉइंट इज अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो द इंटरस्टेलर डस्ट फ्रॉम विच अर्थ वाज मेड वाज स्पेशली रिच इन हाइड्रोजन। इसको एच लिखते हैं। ओके, इट रेडली कंबाइंड विथ नाइट्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया। ओके, NH3। ओके, विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर। ओके, तो नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर एंड विथ कार्बन फॉर्मिंग मीथेन। समझ रहे हो? तो इसीलिए हाइड्रोजन बल्ले बल्ले कर रहा था। सो ये हमारा एक पहला मेन पॉइंट है। ओके, नाउ दस अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग। इट कंटेन्ड हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया एंड वाटर वेपर्स। तो यही सेम चीज किसने लिया था बताइए, बोलो। मिलर एंड ड्यूरे ने उसको प्रूव करने के लिए यही तीनों गैस लिया था। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है। ओके, तो वाटर वेपर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, H2O लिक्विड है क्या गैस। तो ये हमारा हो गया वाटर वेपर। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अंडरस्टूड? हमारा ये कंडीशन नंबर वन है। अब कंडीशन नंबर टू क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ओके, एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो ये आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही रीजन है कि जो बना वो बचा, वरना सब खत्म हो गया होता है कि नहीं। सो द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज विदाउट फ्री ऑक्सीजन। ओके, इसीलिए इसको नॉन ऑक्सीजनिक या अनऑक्सीजनिक भी कहते हैं। इट वाज बाउंड इन वाटर कार्बन मोनो आइदर। इट वाज फाउंड ऑक्सीजन था बट फ्री नहीं था। इट वाज फाउंड बाउंड इन वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स। ओके, ऑन सरफेस ऑफ रॉक्स एंड पार्टिकल्स। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अरोज ड्यूरिंग अर्ली टाइम वेर नॉट सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन। वो नहीं टूटा। अंडरस्टूड? तो बच गया। नाउ थर्ड पॉइंट, ओजोन लेयर। तो ये हम ऑलरेडी मैं आपको उस समय दिखा चुका हूं, खाली हमें लिख के दे ले वो। चलिए, सो देयर वाज नो लेयर ऑफ ओजोन टू अब्सॉर्ब यूवी रेज कमिंग ऑन टू अर्थ फ्रॉम द सन। अब्सॉर्ब लो, इसमें हमारा आ जाएगा चिन्ह, लो लैम्डा हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस। क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा, प्लैंक्स थ्योरी। ओके, प्लैंक्स थ्योरी, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, ई इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा, फाइन।
तो ये हमारा थ्योरी है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी इज इक्वल टू एच नी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो इसलिए जितना लोअर लैम्डा होगा उतना हायर क्या होगा, एनर्जी होगा। ओके एनर्जी। सो ये हमारा तीन प्रिडोमिनेंट कैरेक्टर्स थे जो हमारे लिए क्या मौसम बना रहे थे। हमने दुनिया को ठंडा किया। ओके सो नाउ वी विल कूल द अर्थ। चलिए तो अब as the earth cooled gradually, some of the gases liquefied and some of the liquids turned into solids. Okay, steam condensed, hai ki nahi? So steam condensed kiya into water and resulted in rain. To isko bhi hum log point wise kar dete hain. Yes, bullet kar dete hain. Theek hai? Rain, the rain droplets on approaching the superheated earth crust immediately evaporated and returned to the atmosphere. The cycle continued millions, main to thousand likha hu, idhar millions likha hua hai, hai ki nahi? As a result, it became cool enough to hold water and large water bodies or first oceans came into existence. So, we have already discussed kar chuke hain sari baatein. Okay, the oceanic water contained atmospheric ammonia and methane, which got dissolved and washed down with the water, dropped from the atmosphere in the form of rain. Mineral rocks also dissolved, leading to the accumulation of mineral salts in the oceanic water. Therefore, okay, the primitive oceans were alkaline. Okay, pH 8. Okay, about 3 billion years ago or afterwards, the earth had a solid crust